हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे दुबई का टूर, मस्कट टू दुबई। मस्कट टू दुबई बाय रोड डिस्टेंस कितना है, कितने किलोमीटर पर है और कितना टाइम लगता है, और साथ में होटल रूम टूर भी कराएंगे और उसका भी एड्रेस आपको देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मस्कट टू दुबई बाय रोड डिस्टेंस 452.7 किलोमीटर है, जिनमें 4 से 5 घंटे का टाइम लग सकता है। हमारे हस्बैंड को 2 दिनों के लिए किसी काम के सिलसिले में जाना पड़ गया था दुबई, तो ये सारी वीडियो हमारे हस्बैंड ने ही बनाई है और आगे भी रूम टूर हमारे हस्बैंड करवाएंगे आपको। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। हाय दोस्तों, तो अभी हम लोग हैं मिलेनियम पैलेस होटल के कमरे नंबर 2325 के अंदर। ये रही हमारी चाबी, हमने रूम के अंदर एंट्री कर दी है। इसी चाबी से, इसी कार्ड वाली चाबी से ये रूम ओपन होता है। रूम ओपन होते ही, जैसे ही हम रूम में एंट्री करते हैं, आप देख सकते हैं रूम का ये लेआउट है, जैसा कि हमारा स्टूडियो फ्लैट्स होते हैं, जो एक रूम के अंदर ही किचन और एक वॉशरूम होता है, ये उस तरीके का लेआउट है। आप देख सकते हैं एंट्री करते ही सीधे हाथ पर इसमें स्विच दी गई है, ये मेन स्विच है। इसे सारे रूम की इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ या ऑन कर सकते हैं। बाद में ये कार्ड है, जिससे आप इस रूम की इलेक्ट्रिसिटी को ऑन या ऑफ इससे भी कर सकते हैं। अगर ये कार्ड नहीं है तो ऑटोमेटिक सारी लाइट्स बंद हो जाती है। ये कार्ड बहुत ज़रूरी होता है, हमें इसे छूना नहीं होता है, ये खुद ही, मतलब जो होटल के सर्विस के लोग हैं वही लोग इसे टच वच करते हैं। हम आपको इसका वॉशरूम में दिखा देता हूँ, देख सकते हैं वॉशरूम काफ़ी साफ है, काफ़ी क्लीन है। ये हमारा डब्ल्यूसी के पास टॉयलेट पेपर्स है, एक फ़ोन भी दिया गया है, इन केस अगर आपको कुछ इमरजेंसी है तो आप कॉल कर सकते हैं रूम सर्विस को। ये रहा हमारा टेबल, बाथरूम की जो वैनिटी हमें जिसे कहते हैं वो है। 2 टॉवल यहाँ दिए गए हैं, नीचे वेट मशीन भी दी गई है अगर आपको वजन चेक करना हो। ये रहा इसका मिरर, देखिए मिरर कितना बढ़िया है। मिरर के अंदर एक LED लाइट जैसे दिया गया है, जिस वजह से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है मिरर की। देखिए इसकी फिटिंग्स कैसी हैं, बहुत बढ़िया सी फिटिंग्स है। साइड में भी एक छोटा सा मिरर है, जिसके अंदर भी एक LED लाइट दी गई है। इस लाइट की वजह से ये मिरर की फिनिश बहुत अच्छी लगती है, और ये आप देख सकते हैं देखने में भी बहुत बढ़िया लगता है ये मिरर। इसकी लाइट को मैं चाहे तो ऑन या ऑफ कर सकता हूँ, बट ऑन करने पर ये काफ़ी बढ़िया लगता है, इसलिए मैं इसे ऑन ही रहने देता हूँ। इसका टिश्यू बॉक्स आप देख सकते हैं, प्योर SS का है। साबुन मैंने खोल दिया था इसका, जो सोप है, और यहाँ 2 ग्लास दिए गए हैं, 2 छोटे टॉवल्स हैं, साथ में शैम्पू और नहाने के लिए कुछ बाथ एंड शावर जेल और भी 2-3 चीज़ें यहाँ दी गई हैं। इसके अंदर ईयरबड्स और बेसिक सेफ्टी चीज़ें होती हैं, साफ़ सफाई की चीज़ें और भी कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं। दूसरे साइड भी आपको दिखा देते हैं। ये रहा नहाने वाला एरिया, नहाने का केबिन जो सेपरेटली दिया गया है आपको। यहाँ भी एक टॉवल दी गई है और 2 टॉवल यहाँ भी है, तो टॉवल्स तो काफ़ी दी जाती हैं। आप देख सकते हैं नहाने का जो एरिया है वो सेपरेट दिया गया है, ताकि वहाँ का पानी इस तरफ ना आए, या जब आप नहाने उस तरफ जाते हैं तो पानी के छींटे यहाँ पर नहीं आते हैं। देख सकते हैं यहाँ भी नहाने के लिए आपको शावर जल दिया जाता है। ये आपका शावर हो गया, ठीक है। तो हमने इस तरीके से हमने यहाँ के वॉशरूम को तो देख लिया है, चलिए अब रूम को भी अच्छे से देख लेते हैं। रूम में एंट्री करते ही आप देखिए यहाँ पे कुछ चेयर जैसा दिया गया है, ठीक से मुझे इसका इस्तेमाल नहीं पता है, ये बैठने के लिए तो नहीं है, शायद कुछ सामान रखने के लिए या कुछ और चीज़ के लिए होगा, पता नहीं। फिर यहाँ आ जाती है 2 चेयर और ये कॉफ़ी टेबल, आप चाय कॉफ़ी पीना हो या कुछ बात करना हो या लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो यहाँ बैठ सकते हैं। और देखिए कबाट दिया गया है इसके अंदर, इस कबाट के अंदर यहाँ पे फ्रिज होता है, दिखा दूँ आपको मैं,
ये देखिए इसके अंदर इनबिल्ट फ्रिज है बहुत ही बढ़िया सा, और नीचे फ्रीज़र है, और दूसरे सेक्शन में भी आपको मैं दिखा देता हूँ क्या है। ये देखें दूसरे सेक्शन में आपको लॉकर दिया गया है और काफ़ी ड्रावर्स हैं, और यहाँ पर कुछ लॉन्ड्री सेक्शन है, साथ में एक्स्ट्रा ब्लैंकेट और चीज़ें भी दी गई है। ठीक है, तो हम इसे बंद कर देते हैं और आगे चलते हैं। इस तरफ एक टेबल दिया गया है साइड में, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। एक चेयर टेबल के साथ में है, साथ में इसका गारबेज के लिए एक डस्टबिन दिया गया है। ये मैंने सारी अपनी चीज़ें बस मैंने एंट्री की और वैसे ही सारी चीज़ें रख दी, कुछ अरेंज नहीं किया है। ये देखिए मिरर, कितना बढ़िया मिरर लग रहा है। नीचे दो एलईडी लाइट है जिसकी, जो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है मिरर को कि इस एलईडी लाइट की फिनिशिंग पूरी ऐसा लगता है लंबी सी लाइट्स गई है लेफ्ट और राइट में, लेकिन ये बस ये जो छोटे छोटे बल्ब्स हैं इसकी इम्प्रेशंस है वो। और ये है, ये बहुत बढ़िया सी चीज़ है, बढ़िया सी लाइट है, टेबल लैम्प का काम कर रहे हैं यहाँ पे। टीवी दिया गया है, ये रहा हमारा बेड, डबल बेड, और इसमें देख सकते हैं आप बढ़िया सी तकिए और कंबल दिए गए हैं, और बेड के लेफ्ट और राइट में दो साइड टेबल दिए गए हैं सेम डिज़ाइन के, और दोनों के ऊपर बहुत बढ़िया सी लैम्प है, ग्लोब लैम्प शायद इसे कहते हैं, बॉल टाइप ग्लोब लैम्प शायद। और ये देखिए ये फोकस लैम्प होती है, ये बहुत बढ़िया लगती है चालू करने के बाद। पीछे आप देख सकते हैं बढ़िया सी पेंटिंग दी गई है जिससे इस रूम का फील और भी अच्छा आता है। कपल के लिए भी ये रूम काफ़ी होता है, लेकिन हमने बैचलर एज अ बैचलर इस रूम को लिया है। ये रहा इसका पर्दा, आपको इसका बाहर का लुक भी मैं दिखा देता हूँ। इसमें बालकनी दी गई है इस रूम में, इसके स्विच खोल लेंगे हम, स्विच खोल के आपको मैं दिखा दूँ। ये देखिए ये रहा इसका व्यू, काफ़ी बढ़िया व्यू यहाँ से आ रहा है। मेरे फ़ोन के कैमरे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से ये लुक जो है वो अच्छा नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए नीचे रोड गया हुआ है, वर्षा हाइट्स दुबई होटल का नाम है, मिलेनियम प्लेस, देख सकते हैं कितनी बढ़िया सा व्यू आ रहा है। जैसे हम गेम में या मूवी में देखते हैं उसी तरीके का सीन आ रहा है। देखिए वापस से हम रूम में आ जाते हैं, बालकनी को लॉक कर देंगे। तो मैंने आपको दिखा दिया है इस रूम के बारे में जो बेसिक इसकी चीज़ें हैं और ये किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। टीवी भी है रूम के अंदर, लेकिन टीवी में कुछ ज़्यादा चैनल्स नहीं हैं, बस थोड़े से चैनल्स हैं। और किचन आपको दिखा दूँ, जो किचन है आप देख सकते हैं इसमें इनबिल्ट ओवन है और कुछ कबर्ड्स है। ये दोनों कबर्ड्स में तो कुछ खास नहीं है, बस पाइपलाइन और चीज़ें हैं, तो मैं इसे आपको नहीं दिखा रहा हूँ। ये वाले में कुछ कटलरीज हैं ग्लास की, जो आपको चाहिए तो यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ बर्तन दिए गए हैं स्टील के, साथ में चाय कॉफ़ी और सब कुछ दिया गया था कॉम्प्लीमेंट्री, तो अभी अभी मैंने कॉफ़ी पिया है। तो देख सकते हैं स्टोव भी दिया गया है, अगर आपको कुछ हल्की फुल्की चीज़ें कुछ बनाना है या कुछ हीट वीट करना है तो आप कर सकते हैं। सारी स्विचेस यहीं पर है, और केटल की स्विच है, और क्या नाम है इसकी गैस की स्विच है, और काफ़ी सारी स्विचेस है जो मैं टच नहीं कर रहा हूँ। तो स्विचेस को मैं यहाँ टच नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि स्विचेस पहले थी वैसे के वैसे ही है।
तो चलिए अब इस सेम रूम का व्यू मैं आपको लाइट्स बंद करके भी दिखा देता हूँ। पहले मैं बाथरूम की लाइट्स बंद कर दूँ। हाँ, देखिए हम लाइट्स इसके बंद कर देंगे। लाइट्स बंद करने के बाद बस ये जो ग्लोब्स लाइट है, जो ग्लोब लाइट है, बस वही चालू है अभी, आप देख सकते हैं। और काफ़ी बढ़िया सा व्यू आ रहा है। ऐसी लाइट्स में बैठ कर अगर आप काम करना चाहते हैं या कुछ रिलैक्स करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया फीलिंग आता है। तो इस तरीके से ये रूम का टूर पूरा होता है। इस होटल का नाम मिलेनियम प्लेस रेस्टोरेंट है। हाँ फ्रेंड्स, तो अब सुबह हो गई है और ये सुबह का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ होटल का। हम आ जाते हैं बालकनी में। बालकनी का दरवाजा खोलेंगे। ये देखिए, सुबह के 7 बज रहे हैं और आप ये देख सकते हैं व्यूज यहाँ का। बहुत ही बढ़िया सा नजारा है। मैं जिस होटल में रुका हूँ इसका नाम मिलेनियम पैलेस है। ये दुबई के बर्शा हाइट्स एरिया में आता है। गाड़ी कितनी छोटी छोटी दिख रही है, देख सकते हैं। सुबह सुबह फिलहाल तो ट्रैफिक नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा ट्रैफिक बढ़ते जाएगी। हमको इससे पहले ही हमें अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाना है। ओके, सो दैट्स इट फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।